सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। और मैं जैसा कि मैं भी कोलकाता में हूँ, और कोलकाता में मैं आज आया हुआ हूँ कैथेड्रल चर्च, जिसको संत पॉल कैथेड्रल भी कहा जाता है, मतलब वही नाम है एक्चुअली में। और एक बहुत बड़ा चर्च है, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा चर्च है गाइस। और इसके बारे में अभी मैं आया हूँ अंदर में, अब देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे और किस तरह से है, वो सब आपको दिखाएंगे, वो सब आपको बताएंगे कि ये चर्च इतना फेमस क्यों है, क्योंकि बहुत ही ब्रिटिश ज़माने का ये चर्च है, बहुत ही पुराना चर्च है ये। अगर आप भी कोलकाता से हो, अगर संत पॉल कैथेड्रल चर्च नहीं आए हो तो ज़रूर आए। इसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए अभी एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को और देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ये देखो गाइस, यहाँ पे बहुत सारा प्लांट वगैरह भी लगाए गए हैं, और जो कि देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हर तरह का फूल यहाँ पे लगाया गया है, प्लांट को सजा कर यहाँ पे बनाया गया। देखो वहाँ पे, देखो इस जगह को, देखो कितना मतलब अच्छे से इस जगह को डेकोरेट किया गया है, सिर्फ प्लांटेशन के थ्रू, सिर्फ प्लांट के थ्रू। ये देखो, और ये सामने हमारा चर्च रहा, और ये देखो वो सर्कल वाला, वहाँ पर एक फाउंटेन भी लगा हुआ है, सॉरी फाउंटेन नहीं लगा, वहाँ पर दो लाइट लगी हुई है, बाकी वो रात में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे बहुत सारा प्लांट वगैरह अभी, और इधर देखें तो देखते हैं, इधर पार्किंग करने के लिए भी जगह है बहुत सारी। तो इसके ठीक गेट के बाहर जाओगे तो बिरला प्लेटोरियम भी है, तारा मंडल जिसको कहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। फिलहाल मैं इधर देखता हूँ कि इधर क्या है। यहाँ पर देखो बहुत सारी स्टैचू वगैरह बनाए गए हैं, और देखो कुछ किसान को दर्शाया गया है, और पता नहीं ये कौन है, फादर है या कौन है ये नहीं मालूम। और वो देखो वहाँ पे ऊँट वगैरह, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा से बनाया गया है, और कैमरे में आपको छोटा सा दिख रहा होगा, मगर ये ठीक ठाक अच्छा खासा बड़ा है। और ये इसके अंदर जाना अलाव नहीं है, वरना मैं आपको जा कर दिखाता, बस आप यहीं से देख लो। और ऊपर में देखो अब कितना अच्छा लग रहा है, देख लो कुछ यूनिक वे में इसको बनाया गया है, कुछ तो दर्शा रहा है ये, मुझे मालूम नहीं चला क्या दर्शा रहा है, मगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे सामने चमकता हुआ एक बहुत ही विशाल और बहुत ही पुराना चर्च, ये देखो। तो गाइस ये जो चर्च है, ये गोथिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, और ये जो चर्च है वह 1839 में बनने के लिए शुरुआत कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, और 1847 में यह बनकर रेडी हो गया था, जो कि हम। और यह जो चर्च है, यह पॉल द अपोस्टल के लिए डेडिकेट किया गया है उनके लिए, और एक गोथिक जो आर्किटेक्चर है उस चीज़ के लिए ये जो हमारे जो चर्च है, ये जो कैथेड्रल संत पॉल कैथेड्रल चर्च है, वह इसी के लिए जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा आकर्षक चर्च है, मैं अभी इसके अंदर भी जाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। अंदर बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि अंदर में साइलेंट रहना पड़ता है, तो अभी चलते हैं और आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं अंदर का लोकेशन। तो चलिए चलते हैं।
गाइस अभी आपने देखा इसके अंदर का व्यू कितना ही ज़्यादा कितना अच्छा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का शूटिंग चल रहा हो उस लोकेशन पे मैं हूँ। मतलब जैसा फिल्मों में चर्च वगैरह देखते हैं ना, सेम टू सेम उसी टाइप का ये चर्च था। तो अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसी चर्च के अंदर एक छोटा सा पार्क भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ, जो बच्चों के लिए झूला वूला झूल रहे हैं फिलहाल। तो ये देखो यही है वो। तो फोटोशूट हो, टिकटॉक वीडियोस, सॉरी इंस्टाग्राम वीडियोस हो, सब कुछ यहाँ पे शूट वगैरह लोग आके करते रहते हैं। बहुत सारा लोग कैमरा लेके घूम रहे हैं यहाँ। तो बहुत ही पुराना चर्च है भाई, मतलब पूरे 171 साल पुराना चर्च है ये, सोचो। और ये जो इलाका है, ये पीछे का इलाका है, मैं आपको बैग दिखा रहा हूँ, देखो। अभी चलते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे फंक्शन वगैरह हो रहा था, इधर बस वगैरह भी लगा हुआ है पता नहीं कैसे। तो अभी चलते हैं। ये जो चर्च है वह एशिया का सबसे पहला ऐसा चर्च है जो कि किसी संत के नाम पे बनाया गया था, इसलिए इसको एशिया का सबसे पहला एपिस्कोपल चर्च भी कहा जाता है। और यह जो चर्च है वह पूरे 171 साल पुराना चर्च है, उससे भी ज़्यादा, बहुत ही पुराना चर्च है। और जिसको बहुत ही स्पेशल जो ईट होता है, ब्रिक्स होता है और लाइम जो होता है, उस चीज़ से इसको बनाया गया है और इसको प्लास्टर किया गया है। और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है भाई। और अगर आप रात के टाइम पे आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देता है। अभी दिन में इतना ख़तरनाक लग रहा, तो सोचो रात में क्या होता होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा से डेकोरेट करके इसको मेंटेन किया गया है। और ये जो चर्च है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और गाइस इसके स्पेस की बात करूं तो यह चर्च इतना बड़ा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कि इस चर्च में एक साथ टोटल 1000 से भी ज़्यादा लोग एक बार में प्रार्थना के लिए शामिल हो सकते हैं। सोच लो, एक इसी से सोच लो कि ये कितना बड़ा चर्च होगा। इस चर्च को बनाने में 1839 के वक्त, उस समय ये 4.5 लाख रुपये टोटल लगा था, पैसे लगे थे। और उस समय के 4.5 लाख यानी सोच लो कितना होगा, और लगा था। और तब जाकर ये 1847 में ये बनकर तैयार हो चुका था। ये सही चीज़ है यार, यहाँ पे साइड में पार्किंग वगैरह दे दिया गया है ताकि दूर से अगर लोग आए तो आराम से अपना कार वगैरह या बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में है तारामंडल भी है, तो वहाँ भी किसी दिन जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पे छोटा मोटा शॉप भी मिल जाएगा, ये पता नहीं क्या है। और ये जो वो सनलाइट जो ऐसे जो पड़ रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, देखो इतना अच्छा सा चमक रहा है जैसे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो पूरे 7 एकड़ में यह चर्च जो है ये बनाया गया है, सोच रहे हो 7 एकड़, ये टोटल 7 एकड़ में यह संत पॉल कैथेड्रल चर्च बनाया गया है। 1947 में जब यह चर्च बनकर तैयार हुआ था, उस समय रानी विक्टोरिया शुभ आरंभ पे, ये इसका जब उद्घाटन शुभारंभ हो रहा था, उस समय चांदी की 10 प्लेटें भेजी थी इसके शुभारंभ के अवसर पर। सोच रहे हो रानी विक्टोरिया, अगर अभी तक आपने विक्टोरिया मेमोरियल नहीं देखा है तो उसका ब्लॉग का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जल्दी जाकर विक्टोरिया मेमोरियल को भी चेकआउट कर लो। और ये रहा हमारे पीछे चर्च, देख लो। तो गाइज़ आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर आप मेरी वीडियो से सेटिस्फाई हो चुके हों तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलता हूँ किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।